सुन, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लाई हूँ जो कि हमारा पाल आर्ट से रिलेटेड है। अगर आप प्रीवियसली बीपीएससी के क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे तो आप देख पाएंगे कि पाल आर्ट ऑलवेज एक अल्टरनेट ईयर पे क्वेश्चंस इससे पूछा गया, और बहुत ही इजी टॉपिक है ये। अगर आप कुछ पॉइंट को ध्यान में रख लेते हो तो आप इजीली इस क्वेश्चंस को कर पाओगे और स्कोर करना बहुत ही आसान होगा 38 मार्क्स में। अगर आप मैं आपको जितना कंटेंट बताऊंगी, अगर आप उतने कंटेंट को एक सिस्टमैटिक वे में अपनी कॉपी में लिख के आते हो तो आपको 25 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैंने बीपीएससी के क्वेश्चन सीरीज में और भी कुछ टॉपिक्स बताए हैं, जैसे कि चंपारण मूवमेंट मैंने आपको बताया, मौर्यन आर्ट के बारे में बताया। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो का लिंक डाल दूंगी। और अगर फ्रेंड, अगर आप पॉलिटी की भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्योंकि आप ये जानते हो कि ये हमारा जीएस पेपर वन है, जीएस पेपर टू में आपको 3 क्वेश्चंस पॉलिटी के भी करने होते हैं, तो ऑलमोस्ट आप वहाँ पे देख सकते हो कि आपका 114 मार्क्स जो है वो पॉलिटी से भी रहता है। तो आप, मैंने पॉलिटी की भी वीडियो सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आप वहाँ से पॉलिटी के भी क्वेश्चंस को देख सकते हो। मैंने वहाँ पे क्वेश्चंस के रूप में आंसर नहीं बताया, मैं वहाँ पे टॉपिक के रूप में स्टार्ट की हूँ। अभी मेरा फंडामेंटल राइट्स चल रहा है तो आप उसको भी जाके गो थ्रू कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो कि हमारा पाल आर्ट। एज यूजुअल मैंने आपको पहले भी बताया कि हम किस तरह से आंसर्स को लिखते हैं, जो कि हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, दूसरा बॉडी पार्ट है और तीसरा कंक्लूजन पार्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि आप किस तरह से इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि जो हमारा पाल आर्ट था वो डेवलप हुआ था पाल रूलर के टाइम में, जिनका की टाइमिंग जो था वो 8th to 11th century के बीच में था। इसमें जो पाल आर्ट जो थे वो हमारे बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड एरिया जो इससे रिलेटेड थे वो हमारे बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट ईस्टर्न यूपी। मैं आपको नेक्स्ट इस मैप के थ्रू ये बताना चाहते कि हमारा ये एरिया है, पहले जब हमारा जब हमारी कंट्री आज़ाद नहीं हुई थी और ये तो मेडाइवल हिस्ट्री के टाइम की पार्ट है, तो उस समय जो बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा ये सारे एक ही पार्ट हुआ करते थे। तो इस रीजन में हमारा पाल आर्ट जो था वो काफ़ी डेवलप किया था। इस वजह से इस आर्ट को मेडाइवल स्कूल और ईस्टर्न स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता है। इस आर्ट के डेवलपमेंट में बुद्धिस्ट जो संत होते थे उनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इस तरह से आप ये 5-6 पॉइंट इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया है स्कल्पचर के बारे में। तो स्कल्पचर के बारे में आपको ऑलमोस्ट 5 to 10 पॉइंट्स बताने वाली हूँ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, जो स्कल्पचर होते थे वो हमारे ब्रॉन्ज और स्टोन के बनाए जाते थे, और इनको बनाने के लिए कास्टिंग मेथड का यूज किया जाता था, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से, जिससे कि मूर्तियों में बहुत ही अच्छी चमक आती थी। इसके जो मेन प्रोपाउंडर थे, जो भी मेन फाउंडर थे, वो हमारे धीमन और विथपाल थे, जो कि धर्मपाल और देवपाल के टाइम के उनके कंटेम्प्रेरी थे। जो इसका थीम हुआ करता था स्कल्पचर का, वो हमारा बेसिकली बुद्धिस्ट से था। ऑल्दो हम कई कई जगह जो था वो ब्राह्मेनिकल इमेजेस भी मिला है, कुछ स्कल्पचर जो है वो हमारे कुकरीहार और नालंदा से भी मिला है। ये हमारी कुछ मूर्तियों की फोटो है, जिसमें आप नीचे की फोटो में देख सकते हो कि बुद्ध भगवान की मूर्ति है जो कि अलग अलग आसन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ऊपर की मूर्तियों में एक स्टैंडिंग लेडी की मूर्ति है, एक डांसिंग लेडी की मूर्ति है। तो इस तरह का एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर जो है वो डेवलप किया जाता था पाल आर्ट के ड्यूरेशन में। स्कल्पचर में आप ये भी लिख सकते हो कि सबसे लार्जेस्ट जो ब्रॉन्ज इमेज था वो हमारे सुल्तानगंज से मिला है। बुद्धिस्ट और बोधिसत्वा का पोर्ट्रे किया जाता था इसमें। उसके बाद कुकरीहार में जो है वो हमारा बुद्ध का क्राउंड इमेज मिला है। और स्टोन स्कल्पचर जो था वो बेसिकली हमारा ब्लैक बेसल्ट से बनाया हुआ था, जो कि संथाल परगना रीजन में मिला है। ओरिजिनली जो हमारा ये स्कल्पचर था उसका जो ऑर्नामेंटल डेकोरेशन था वो हमारा बहुत ही अट्रैक्टिव था। मतलब किसी भी मूर्ति को बनाने के लिए बहुत ही
बारीकी से ऑर्नामेंट्स का यूज किया जाता था, जिससे कि उस मूर्ति की खूबसूरती देखते ही बनती थी। ये हमारा कुछ मुद्रा है जो कि गौतम बुद्ध की मुद्रा है, जो हमारे पाल आर्ट के ड्यूरेशन में जितने भी भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी वो डिफरेंट डिफरेंट मुद्रा से रिलेटेड बनाई जाती थी। जैसे कि वर्धा मुद्रा, वर्धा मुद्रा में ब्लेसिंग्स का सिंबल दिया जाता था, जिसमें कि भगवान बुद्ध की एक हाथ ऊपर होती थी और ये शोक हो रहा था कि वो सोसाइटी को आशीर्वाद दे रहे हैं, लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। अभय मुद्रा में जो सारा कंसंट्रेशन और जो सारा फोकस होता था वो फेस पे होता था, फेस को इस तरह से शो किया जाता था कि वो ये दिखाए कि उनके चेहरे पे किसी तरह का डर नहीं है। नेक्स्ट हमारा एक मुद्रा है भूमि स्पर्धा मुद्रा, जिसमें कि मतलब उनके हेड के पीछे में एक चक्र घूम रहा होता था जो कि इनलाइटमेंट का प्रतीक होता था। नेक्स्ट मुद्रा में हमारा धर्म चक्र मुद्रा है जो कि फर्स्ट समन का के मुद्रा को शो करता है। एक हमारा नेक्स्ट है ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में कंसंट्रेशन को फोकस किया गया था। ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे मुद्रा है जिसको कि पोर्ट्रे किया गया था पाल आर्ट के ड्यूरेशन में। तो इस तरह से आप इतने सारे पॉइंट स्कल्पचर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेराकोटा फिगराइन। टेराकोटा फिगराइन में आप सबसे पहले ये लिख सकते हो कि ये बहुत ही आर्टिस्टिक और चार्मिंग इमेजेस बनाते थे। जो कुछ इसके इमेज जो है वो अभी भी विक्रमशिला महाविहार में पाए गए हैं। इसका जो मेन सबसे मेन फोकस था, या आप ये कह लो मेन एप्लीकेशन टाइप कह लो, मेन यूज जो था वो हमारे घर के वॉल्स को या किसी मंदिर के वॉल को या कोई भी महाविहार हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई भी आर्किटेक्चर बनाया जाता हो उसके वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए टेराकोटा फिगराइन का यूज किया जाता था। इसके जो थीम्स थे वो रिलीजियस थे एज वेल एज डे टू डे लाइफ के थीम्स थे। बुद्ध और बोधिसत्वा के अलावा कुछ इमेज विष्णु भगवान के, कुछ वराह के, सन के, हनुमान के, अर्धनारीश्वर के, तो इस तरह के मतलब बहुत सारे भगवान को भी पोर्ट्रेट किया गया था इस पेंटिंग्स के थ्रू। इसमें जो एक बहुत ही फेमस और आप ये कह लो कि एक इसका जो टेराकोटा फिगराइन का सबसे मोस्ट अमेजिंग पिक्चर है वो है एक सिटिंग लेडी का, जो कि अपने एक हैंड में मिरर को होल्ड की हुई है और दूसरे हैंड में वो अपने बालों में कंघी कर रही है। इस पिक्चर से ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक लेडी की खूबसूरती को बताया गया है, जो उस पिक्चर के माध्यम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। उस जब भी कोई पिक्चर बनाया जाता था तो वो इस तरह से उसके हर बॉडी पार्ट्स को ऑर्नामेंट से सजाया जाता था, जिस तरह से एक लेडी की खूबसूरती सामने आती हो। तो ये हमारा टेराकोटा फिगराइन का टॉपिक था। नेक्स्ट मैं आपको पेंटिंग्स के बारे में बताती हूँ कुछ पॉइंट्स। तो पेंटिंग्स में मैंने दो पेंटिंग्स में डिवाइड कर दिया है। एक हमारा मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग है, नेक्स्ट हमारा मूरल पेंटिंग्स है। मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग जो था वो जनरली हमारा पाम लीव्स पे था, जिसके की एग्जाम्पल जो है वो अष्टसहर्षिका है, प्रज्ञा प्रमिता है, प्रणकक्ष है, और उसके बाद इसका जो प्रिजर्व जो भी इसकी कुछ जो आप कह सकते हो कि बचा हुआ पार्ट मिला है पेंटिंग का इतने सालों पुराना, वो अभी भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एज अ धरोहर रखा गया है। बहुत सारे 100 मिनिएचर पिक्चर्स को बनाया जाता था इस पेंटिंग्स में। कुछ आप पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि बुद्ध के बहुत सारे वेरियस सीन्स को बताया गया है। उसके साथ साथ जो हमारे महायान सेक्ट थे, जब ये बौद्ध धर्म का डिवीजन हो जाता है उसके बाद बहुत सारी अलग अलग चीजें उभर कर सामने आती हैं, तो उसमें एक महायान सेक्ट भी आए थे, उनके गॉड और गॉडेसेस जो होती हैं उनके बहुत सारे वेरियस पोज को भी मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग में दिखलाया गया है। कुछ इसमें जो थे जैसे हमारे अजंता पेंटिंग में, तो वहाँ पे भी मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग का सिंबल या मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग देखने को मिलता है। हमारे ये तांत्रिक आर्ट का इस पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। तो ये सारे पॉइंट हमारे मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग्स थे। नेक्स्ट हमारा है मूरल पेंटिंग्स। मूरल पेंटिंग्स जो था इसका जो
जो जो भी बनाई गई मूर्तियां हैं या जो भी बनाई गई पेंटिंग्स हैं वो हमारे नालंदा के सराय स्थल से मिले हैं। इस पेंटिंग्स के जो बॉटम में होते थे उसका जो प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता था वो हमारे ज्योमेट्रिकल शेप्स के जो भी फ्लावर्स होते थे उनसे बनाए जाते थे। उसमें ह्यूमन के इमेज बनाए जाते थे, एनिमल के इमेज बनाए जाते थे। इसमें जो अजंता और बाग केव है वो हमारे इसमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता। तो आप देख सकते किस तरह मूरल पेंटिंग्स और मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग जो एक दूसरे से काफी डिफर था। इस तरह से हमने बॉडी का तीन पार्ट क्लियर किया है। नेक्स्ट अब हमारा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में आप ये लिख सकते हो कि जैसे कि हमारा बुद्ध विहार बनाया गया था पाल डायनेस्टी के ड्यूरेशन में, नालंदा में, विक्रमशिला में, ओदनपुरी में, इन सारी जगहों पे जो टेंपल बनाए गए थे वो हमारे पाल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। जो पाल डायनेस्टी के फाउंडर थे वो हमारे गोपाल थे जिन्होंने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। एक दूसरे रूलर थे हमारे देवपाल जिन्होंने की ओदंतपुरी में बुद्ध विहार बनवाया था। नेक्स्ट हमारे रूलर थे धर्मपाल जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आर्किटेक्चर भी इनके ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा ही पीक पीक टाइप से डेवलप किया था, बहुत ही फला फूला था। भागलपुर के कहलगांव में रॉक कट के बनाया गया था, गया में एक विष्णुपद टेम्पल बनवाया गया था। फिर जो भी आर्किटेक्चर थे वो हमारे ब्रिक बेस्ड थे, मतलब ईंट के थ्रू बनाए जाते थे। उसके बाद चैत और विहार के लिए वहाँ पे जो भी चीज़ें बनाई जाती थी उनके चारों तरफ पौंड बनाए जाते थे। तो जो भी आज अगर आप इन चीज़ों को आज के टाइम से कंपेयर करोगे तो ये देखने को मिलता है कि जो भी चीज़ें आज दिख रही हैं इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत इन्हीं सब डायनेस्टी के ड्यूरेशन में हुई थी। तो इस तरह से बॉडी में आप इतने सारे पॉइंट्स लिख सकते हो जो कि काफ़ी इनफ पॉइंट है। नेक्स्ट आप कंक्लूजन में तीन चार पॉइंट्स लिखने होते हैं। जो जितना भी आपने आंसर लिखा है उसका एक समराइज वे आपको कंक्लूजन में शो करना होता है। तो इसमें आप ये लिख सकते हो जो हमारा पाल एरा था उसमें वो आर्ट जो था वो बहुत ही अट्रैक्टिंग आर्ट था। इसके स्कल्पचर की क्वालिटी अपने आप में एक अलग थी। जो आर्किटेक्चर थे वो बहुत ही खूबसूरत और मैग्निफिशेंट थे। पाल आर्ट जो है वो हमारा जो अर्ली मेडाइवल पीरियड था उसके जो उस टाइम पे जो आर्ट पेंटिंग आर्किटेक्चर था उसको समझने का एक बहुत ही रिसोर्स के रूप में है। फिर ये भी मैंने आपको बताया कि पाल आर्ट जो था वो हमारा बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ईस्टर्न यूपी इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा ही फला फूला। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारे एरिया में जो आर्ट और कल्चर का जो कंटिन्यूसली ग्रोथ हुआ है वो किस तरह से पाल रूलर ने इसमें एक बड़ा ही अहम योगदान दिया। तो ये सारे पॉइंट्स आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि आपको एक बहुत ही अच्छा आंसर दूँ, बहुत इतना इनफ मटेरियल दूँ कि आप 38 मार्क्स के लिए इनफ अपने आंसर्स में लिख के आ सको। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी और उन स्टूडेंट्स को भी शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है। और आप इसमें कुछ और भी मॉडिफिकेशंस, अगर आपको कुछ और भी रिक्वायरमेंट चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके उन सजेशंस को फुलफिल करने की कोशिश करूँ।